Welcome to this Sunday edition of Market Mantra, the program in which I give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. And today is our special interactive edition, the Sunday edition, in which we focus on mutual funds. My name is V. Ravi Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Subodh Mishra. Namaskar, Shrotao. कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है. आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों को प्रोग्राम में शामिल करेंगे. आप हमें फोन करके म्यूचुअल फंड से जुड़ी जानकारियां हासिल कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर हैं 2331-4444, 2371-7106 और तीसरा नंबर है 2371-7117. दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 डायल करें. आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट धीरेंद्र कुमार. धीरेंद्र, कार्यक्रम में आपका स्वागत है. धन्यवाद आपका. पहले हेडलाइंस रवि से. फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स पुल आउट मोर देन 1,470 करोड़ रुपीज फ्रॉम द कैपिटल मार्केट्स. डोमेस्टिक स्टॉक्स विटनेस गेन्स ऑफ मोर देन 2% ड्यूरिंग द वीक एंडेड यस्टरडे. सेंसेक्स क्लोजेस अबाउट 61,000 एंड निफ्टी फिनिशेस अबाउट 18,000 लेवल. विदेशी निवेशकों ने इस महीने अब तक भारतीय पूंजी बाजार से 1,470 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम निकाली. कल समाप्त कारोबारी सप्ताह के दौरान घरेलू शेयर बाजारों में 2% से ज्यादा की बढ़त दर्ज हुई और सेंसेक्स 61,000 के ऊपर पहुंचा और निफ्टी ने पार किया 18,000 का आंकड़ा. आइए पहली खबर पर नजर डालते हैं. विदेशी निवेशकों ने इस महीने अब तक भारतीय पूंजी बाजार से निकासी का रुख कायम रखा है. पिछले दो महीनों से जारी निवेश के बाद इस महीने अब तक विदेशी निवेशकों ने 1,470 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम निकाल ली है. ताजा आंकड़ों के अनुसार इस महीने अभी तक विदेशी निवेशकों ने ऋण बाजार से 1,698 करोड़ रुपए निकाले हैं, लेकिन शेयर बाजार में उन्होंने 226 करोड़ रुपए का निवेश किया. इस तरह इस महीने बाजार से कुल निकासी 1,472 करोड़ रुपए की रही. पिछले दो महीनों में भारतीय पूंजी बाजार पर विदेशी निवेशकों का भरोसा बना हुआ था. उन्होंने सितंबर में ऋण बाजार में 13,363 करोड़ रुपए और अगस्त में 14,376 करोड़ रुपए का निवेश किया था. आइए मुंबई चलते हैं जहां से आशीष लाइन पर हैं. पहले कॉलर हमारे आशीष, स्वागत है आपका, सवाल पूछें. मुझे पूछना है कि ये दो मेरे मल्टीपल एसआईपी चल रहे हैं, तो ये तो मेरे वेल्थ क्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से, पर मेरा दो जो एसआईपी हैं, एक एचडीएफसी टॉप 100 है और एक फ्रैंकलिन ब्लू चिप है, जो मैंने एसआईपी तो बंद कर ली है पर मेरे पैसे अभी तक हैं उसमें. तो लॉन्ग रन में ऐसा लग रहा है कि ये अभी स्कीम मतलब कैसी है, मतलब मैंने तो स्कीम एसआईपी तो है नहीं, तो जब मैं पैसे की थोड़ी मुझे जरूरत है तो क्या मैं इसमें से विड्रॉ कर सकता हूँ? ये स्कीम जैसी अभी कैसी है, मतलब लार्ज कैप में जो दो स्कीम, एक एचडीएफसी टॉप 100 है और फ्रैंकलिन का ब्लू चिप. ये दोनों का पुराना परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा रहा है और हाल फिलहाल इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा, ये शायद और हाल फिलहाल अगर अच्छा नहीं रहा है, मतलब इनके रिलेटिव पुअर परफॉर्मेंस के बाद अगर आप अपना पैसा निकालते हैं तो ये स्थिति होगी. लेकिन इस तरह के फंड में मैंने देखा है कि काफी इसका परफॉर्मेंस साइक्लिकल रहता है और खासकर जब और इस साइक्लिकल परफॉर्मेंस का इस तरह के फंड में उसका कारण मुझे ये समझ में आता है कि फंड कुछ मिस करता है और लार्ज कैप में इंक्रीजिंगली लोगों को अच्छा करने के लिए काफी मेहनत करना पड़ता है और लकी होना भी जरूरी है और इसका साइकिल थोड़ा लंबा हो गया है. तो अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो अपना पैसा इनमें से जरूर निकालना चाहिए. ओके, वी हैव अनदर रेगुलर कॉलर फ्रॉम मुंबई. इला शाह इज ऑन लाइन विद अस. मैडम प्लीज पुट योर क्वेश्चन. मैम यू आर लाइव, यू कैन गो अहेड विद योर क्वेश्चन. नमस्कार टू मार्केट मंत्र टीम. नमस्कार. आई वॉन्ट टू आस्क मिस्टर धीरेन्द्र, आई हैव फोर फंड्स विच आई शुड होल्ड और शुड सेल इट. वन इज IDFC लार्ज कैप रेगुलर फंड, सेकेंड वन इज LNT लार्ज एंड मिड कैप फंड, थर्ड वन इज SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड,
And fourth one is Nippon India Value Added Fund. So I want to have his view on this, please. Thank you so much. I don't have ready reference on the performance of all the fund, but IDFC fund has turned out to be a reasonable fund. Likewise, you know, all the other three, what I can recall. But what I suggest, you know, you go to any website and look at the relative performance. Even AMFI India has the performance. Even Value Research Online, you will get very specific information on all these funds. And what I can recall is that, you know, three of your four funds are definitely, you know, above average. So you don't have to, you know, panic as such. दिल्ली से धर्मवीर हमारे साथ हैं. स्वागत है आपका. सवाल पूछें. थैंक यू जी. अपना सवाल पूछिए. नमस्कार जी, मैं धर्मवीर गांधी का दिल्ली से बोल रहा हूँ जी. जैसे कि हमारे एक्सपर्ट को भी नमस्कार. मैं जैसे जानकारी ये लेना चाहता हूँ, जैसे हम लोग बैंक में एफडी जमा करते हैं, एफडी बनाते हैं, तो उसमें इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता जा रहा है. क्या हमें कोई ऐसा रास्ता सुझाएंगे जो हम नए स्रोता के हिसाब से जो जानकारी मार्केट की नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या, इसके लिए कौन सा रास्ता चुनना पड़ेगा, और आप लोगों से कहाँ ऐसा कॉन्टेक्ट है जहाँ संपर्क कर सकते हैं, जहाँ से जी हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या है. जिस तरह से ब्याज दरों में गिरावट हुई है, वो सारे निवेशक या सारे बचतकर्ता जो अपने निवेश के आमदनी पे निर्भर करते थे, उनके लिए ये एक बहुत चिंता का विषय है. और ये समस्या खत्म होती नहीं दिख रही है. ऐसा नहीं लग रहा है कि ये ब्याज दरें बढ़ जाएगी और ये कुछ समय की समस्या है. तो आपके पास रिटर्न बढ़ाने का आपके पास और ढेर सारे विकल्प नहीं है, और जो भी विकल्प है वो आपका ओवरऑल रिस्क बढ़ाता है. रिस्क दूसरे तरीके से बढ़ाता है. रिस्क ऐसा नहीं है कि पैसा आपका डूब जाएगा या कुछ होगा. लोग उसके लिए तैयार नहीं है. और खासकर जिस तरह से भारतीय निवेशक जिनको कि इक्विटी में पैसा लगाने का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वो लंबे समय के लिए नहीं लगाते हैं, वो मौके पे लगाते हैं, और जब लगाते हैं तब उन्हें नुकसान होता है, घबराहट में पैसा अपना निकाल लेते हैं, और जब अनुचित समय होता है और जब पैसा लगाना आसान होता है तब आप लगा देते हैं. तो ये स्थिति में लोगों के लिए रिस्क मैनेज करते हुए अपना रिटर्न बढ़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है. और इसका केवल एक ही उपाय है कि आप इक्विटी में निवेश करने का सही जरिया ढूंढिए, और वो सही जरिया ये है कि कम से कम 5 साल का पैसा लगाइए. जब भी कभी एक बड़ा पैसा लगाना हो तभी एक साथ पैसा मत लगाइए. पैसा आपका वेल डाइवर्सिफाइड फंड में हो, स्मॉल लार्ज कैप में. अभी जितने निवेशकों का अभी तक फोन आया है उसमें लोगों ने लार्ज कैप फंड में पैसा लगाया है, और जिनका प्रदर्शन अच्छा है, पिछले एक साल में 48%, 60%, 65%, 70% का रिटर्न है. लेकिन वो 70% रिटर्न जो है वो पिछले साल मार्च में 30% के गिरावट के बाद है. तो केवल हाल फिलहाल के रिटर्न को न देखें. ये पूर्व क्योंकि आप निवेशक करते हैं तो पूरे समय आप होल्ड करते हैं, आपका ओवरऑल रिटर्न क्या होगा. तो आपको रिटर्न बढ़ाने के लिए इक्विटी में निवेश करना पड़ेगा. इक्विटी का फायदा उठाने के लिए आपको ऐसे करना पड़ेगा, लंबा समय, डाइवर्सिफिकेशन धीरे धीरे, और देखना पड़ेगा कि आपके पूरे निवेश का कितना भाग ही हो, 10% हो, 20% हो, 25% हो, ताकि ओवरऑल गिरावट अगर कभी उतार चढ़ाव का दौर भी आए तो आपको भारी चिंता ना हो. क्योंकि अधिकतर निवेशकों को इक्विटी में इन्वेस्टमेंट का एक्सपीरियंस नहीं है, और जो लोगों को लगता है कि इक्विटी में रिस्क है, वो रिस्क केवल इन चीजों को नहीं करने की वजह से होता है. एक साथ पैसा लगाया जाता है, ऊंचे ऊपर की स्थिति में लगाया जाता है, जब गिरावट होती है तो आप अपना पैसा निकाल देते हैं, और ये रिस्क का जो आपको एक्सपीरियंस होता है वो बिल्कुल सही होता है, क्योंकि इक्विटी से फायदा उठाने का ये तरीका बिल्कुल नहीं है. We have Sachin from Mumbai online with us. Sachin, your life, please ask your question. सर हेलो. या गो अहेड, आस्क योर क्वेश्चन. सर मुझे पूछना था एनएफओ के बारे में. जी, आप कुछ अच्छे एनएफओ के बारे में सजेस्ट कर सकते हैं क्या? नहीं, अच्छे एनएफओ कहना बड़ा मुश्किल है. एनएफओ सारे नए हैं, और इनके बारे में और म्यूचुअल फंड के बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी हो तो यही है कि हाल पिछले दिनों गिरते बाजार में चढ़ते बाजार में कैसा किया है.
तो अनलेस एटल आपको कोई ऐसा फंड दिखे जो कि बड़ा ऐसा खास है जो पहले कभी वो मौका उपलब्ध नहीं था निवेशकों के लिए, तब तक अच्छा है एनएफओ कहना बड़ा मुश्किल है। एनएफओ में पैसा लगाने नहीं चाहिए, ये लोगों को पुरानी सोच है कि आप एनएफओ में पैसा लगा रहे हैं 10 रुपए पे मिलता है। म्यूचुअल फंड का दाम जब आप लगाते हैं एनएवी 10 रुपया हो, 5 रुपया हो, 50 रुपया हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप मान लीजिए किसी फंड में पैसा लगा रहे हैं जिसका एनएवी 5 रुपया हो, एक दूसरा फंड है जिसका एनएवी 10 रुपया हो और एक दूसरा फंड है जिसका एनएवी 100 रुपया हो और तीनों का पोर्टफोलियो बिल्कुल एक सा है, अगर तीनों में वृद्धि होती है तो बिल्कुल बराबर होती है, तो आपका किसी तीनों फंड में से किसी में लगाया हुआ, चाहे वो 5 रुपया 10 रुपया हो जाए, 10 रुपया लगा हुआ 20 रुपया हो जाए या 100 रुपया लगा हुआ 200 रुपया हो जाए, आपका लगाया हुआ 100 रुपया 200 रुपया ही होगा, चाहे आप किसी तीनों में से किसी में लगाएं, चाहे उनका एनएवी चाहे जैसा मैंने कहा 5 रुपया हो, 10 रुपया या 100 रुपया हो। तो ये केवल यही लोगों के लिए एक साइकोलॉजिकल बैरियर होता है कि आप एनएफओ में पैसा लगा रहे हैं, सस्ता लगा रहे हैं, शुरुआत में लगा रहे हैं, बाद में ऐसा म्यूचुअल फंड में जो एनएफओ जो आईपीओ की जो धारणा है कि आप नई कंपनी का नया शुरुआत में शेयर खरीद रहे हैं शायद सस्ता मिल रहा हो, वो शायद वो काफी हद तक सच भी हो, संभव भी हो कंपनियों के शेयर के बारे में। म्यूचुअल फंड के एनएफओ के बारे में ये धारणा रखना गलत है अपने आप को, और एनएफओ के बारे में आप बिल्कुल के बारे में सोचे भी नहीं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आप जो कुछ भी जान सकते हैं वो कुछ परफॉर्मेंस के आधार पर ही जान सकते हैं। कोलकाता से सुशोभन हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। नमस्कार एंड गुड इवनिंग वन एंड ऑल, टेकिंग द क्यू ऑफ द लास्ट क्वेश्चन ओनली, आई नेवर मेड दिस क्वेश्चन वी आस्क एनीवे, एज अ इन्वेस्टर इफ आई हैव टू ऑप्शंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, लेट्स सपोज आई हैव सम ऑफ मनी, सो आई कैन बाय सम यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड और आई कैन इन्वेस्ट माई सम ऑफ मनी फॉर एन एनएसओ ऑफ अ रिनाउंड कंपनी लाइक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और आदित्य बिरला, वी आर कमिंग, वी हैव ऑलरेडी कम आउट विद द एनएफओज, सो सिंस द मार्केट इज एक्सट्रीमली हाई नाउ, इफ आई इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी आई गेट लेसर नंबर ऑफ यूनिट्स, बट इफ आई गो फॉर एनएसओ सिंस एनएफओ इज इश्यूड एट ₹10, सो आई डोंट यू थिंक दैट इट इज बेटर ऑप्शन फॉर मी टू क्वेश्चन अपॉन द एनएफओ रादर देन इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड, इफ यू काइंडली थ्रो सम लाइट ऑन दिस, थैंक यू। आई हैव टू थ्रो सम लाइट ऑन दिस बिकॉज दिस इज प्योर अरिथमेटिक, वेन यू इन्वेस्ट इन यू हैव टू रियली अंडरस्टैंड हाउ म्यूचुअल फंड वर्क, when you give your money the mutual fund invest and you buy it at NAV, so so if you are investing 10,000 rupees you will get x amount of you will get some units, if the NAV is 10 rupees you will get some amount of units, some units where if it is 100 rupees or 500 rupees, 10 rupees 50 rupees or 100 rupees 500 rupees is a function of age of the fund, how old, if it is a fund which is 20 year old it will have very high NAV, that doesn't matter. As of now, when you give your 100 rupees, whether it is in a new fund or old fund, the money gets invested today. And you start getting return from today onward. You get NAV, assuming that you get 100 rupees, the NAV of old fund is 100 rupees. And from here, it goes up by 10%. And you invest in a new fund which has exactly the same portfolio. That also goes up by 10%. Your NAV will go up from 10 rupee to 11 rupee here, and in the other fund it will become 110 rupee. The impact on your money will be exactly be the same. It doesn't matter whether you started with 10 rupee or 100 rupee. How the fund does is what matters. And, it's really disappointing that, after so many years, SEBI has been trying to, earlier mutual fund, the new offer used to be called IPO, but just to demystify, just to clarify it, we changed the name and all this, but this is so deeply embedded, you are not buying potato, that something at lower price is cheaper. So as a general rule, Dhirendra will recommend if it's an NFO, avoid. Generally avoid NFO and don't get carried by, this is the biggest myth which there is, that 10 rupees is cheap. We have Sunil from Thane online with us. Sunil, welcome to Market Mantra. Please put your question. Good evening. Good evening. मेरा सवाल डेट म्यूचुअल फंड के संबंध में है। हाँ जी, पूछिए। अभी डेट म्यूचुअल फंड जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है वो अभी कुछ फंड तो निगेटिव रिटर्न दे रहे हैं, खास करके गिल्ड फंड्स।
तो अभी इस हालत में वो पैसा डील फंड से निकाल देना चाहिए या किसी और दूसरा कोई फंड हो तो आप सजेस्ट कीजिए. थैंक यू. ये जो ब्याज दरें हैं इनके बढ़ने की उम्मीद की वजह से डेट फंड में नुकसान हुआ है और आपने आपने देखा होगा. और ये पहला एग्जांपल है. पहला एग्जांपल नहीं, मतलब आमतौर पर यह होता रहता है कि निवेशकों को पिछले दिनों किसी फंड में अगर अच्छा रिटर्न दिखता है तो लोग वहां निवेश करते हैं और उसके बाद उन्हें नुकसान होता है. और खासकर कोविड के बाद जिस तरह से ब्याज दरों में कमी हुई तो गेन फंड के रिटर्न बहुत हैंडसम लग रहे थे. बहुत तेजी से इनका रिटर्न बढ़ा क्योंकि पुराने बॉन्ड पे ज्यादा रिटर्न ज्यादा ब्याज दर था और ब्याज दरों में कमी होने की वजह से बॉन्ड के दाम बढ़ते हैं जो कि पुराने फंड के रिटर्न में वो दिख रहा था. और अब थोड़ी उम्मीद बनी है कि अब दोबारा ब्याज दरें बढ़ेंगी और अभी तक बढ़ी नहीं है. ये बढ़ने की उम्मीद की वजह से ही ऐसा है. तो अगर आप और नुकसान नहीं झेल सकते तो आपको अपना पैसा निकाल लेना चाहिए क्योंकि उस तरह के फंड में जहां पे गिरावट अभी तक दिखी है इस उम्मीद पे वहां और गिरावट हो सकती है जब ब्याज दरें बढ़ेंगी. धीरेन्द्र, ही स्पोक अबाउट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. सुनील हैड जस्ट आस्क्ड अबाउट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन गिल्ट फंड्स. देयर आर टू कैटेगरीज आई बिलीव. देयर इज वन गिल्ट फंड्स एंड द अदर व्हिच हैज अ कांस्टेंट मैच्योरिटी और कांस्टेंट ड्यूरेशन ऑफ 10 इयर्स. आउट ऑफ दीज व्हिच वुड बी लेस वोलेटाइल इन योर ओपिनियन? कांस्टेंट मैच्योरिटी एक्चुअली गेट्स यू नो ग्रेटर स्टेबिलिटी और यू नो प्रेडिक्टेबल रिटर्न इफ यू होल्ड इट फॉर दैट टर्म. सो यू नो इट इज एंटायरली अ मैटर ऑफ यू नो how sure are you of your term. There are investors you know who want their money to be on demand anytime, but at the same time they might be a long term fixed income investor simply because they don't have that tolerance. So those kind of investors you know they can consider that, but looking at it you know if you are in the lowest tax bracket or if you're not a tax paying in their bracket then might as well consider something which is you know national savings certificate or you know government of India bond which yields you know highest return. Because if you are willing to compromise on the liquidity, the return could be as high as 7.1-7.2% without much of a risk. The only thing is that you know you have to compromise on the liquidity, the money will not be on the bank. थाने से गुरुनाथ हमारे साथ हैं. स्वागत है आपका. सवाल पूछिए. जी सर, नमस्कार. नमस्कार सर. ये जो डेट फंड, बैलेंस फंड और इक्विटी, सर इनकी अगर तुलना की जाए जो इस कैटेगरी में जो इन्वेस्ट होता है, सर कैसे तुलना हो सकती है? मतलब सेफ और रिटर्न में क्या फर्क रहता है इनमें? जो सेफ इन्वेस्ट और रिटर्न अच्छा मिले सर. थैंक यू. नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि काम कैसे करते हैं, ये फंड है क्या और इससे उम्मीद क्या की जाए और क्या उम्मीद नहीं की जाए. और क्या उम्मीद नहीं की जाए ये बहुत इम्पोर्टेंट है. डेट फंड जो कि केवल बॉन्ड्स में पैसा लगाता है, यहाँ पे भी उतार चढ़ाव दिखता है लेकिन वैसा उतार चढ़ाव नहीं दिखता है जैसा आप इक्विटी में देख रहे हैं. जो पिछले कॉलर जो बता रहे थे कि डेट में उनको नुकसान हुआ है, लेकिन उस नुकसान का भी जो रेंज है वो इक्विटी जैसा नहीं होता है कि 30% गिर गया मार्च 2020 में बहुत अधिकतर फंड का या 40%. जी हाँ, लोगों की उम्मीद होती है कि आपका डेट में लगाया हुआ पैसा हमेशा बढ़ता रहेगा और कभी कभी ये नहीं बढ़ता. और जो गिरावट भी होती है वो डिपेंड करता है कि कितने मैच्योरिटी वाला पोर्टफोलियो है, वो रिकवर भी हो जाता है. जो ये हाइब्रिड फंड है ये इनमें एक खास भाग इक्विटी में लगता है, एक खास भाग डेट में लगता है और ये रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल होते हैं. अगर इक्विटी बाजार धड़ाम करके गिरता है तो ये फंड वैसा नहीं गिरते क्योंकि ये छोटा भाग इक्विटी में, ये फिक्स्ड इनकम में लगा रहता है. तीन चार तरीके, मोटे तौर पे तीन तरीके के बैलेंस फंड है, हाइब्रिड फंड है. एक जिसमें कि इक्विटी कम होता है, एक जिसमें कि इक्विटी बहुत ज्यादा, दो तिहाई या तीन चौथाई होता है, और एक जिसमें कि दोनों में आधा आधा करीब करीब होता है. और ये आपको देखना भी इसी नजरिए से चाहिए कि वो किस इन तीनों में से किस पे वो हाइब्रिड फंड फिट हो रहा है. और अगर आप पहली बार बाजार से जुड़ा हुआ कोई निवेश कर रहे हैं तो आपको कंजर्वेटिवली उस फंड में लगाना चाहिए जिसमें कि इक्विटी में काफी कम पैसा लगा हुआ है. अगर आप उतार चढ़ाव से चिंतित होते हैं लेकिन आपको थोड़े समय का अगर आपको एक्सपीरियंस है तो वैसे हाइब्रिड फंड में लगाइए जिसमें कि ढेर सारा पैसा इक्विटी में लगा हुआ है लेकिन एक छोटा भाग फिक्स्ड इनकम में लगा हुआ है तो थोड़ा स्टेबल होता है. इक्विटी बाजार का जो उतार चढ़ाव है
वो काफी परेशान कर सकता है बहुत सारे एक्सपीरियंस निवेशकों को भी। तो इस ये जब आप समझ लेते हैं तो आपको उस हिसाब से अपनी उम्मीद रखनी चाहिए। और फिक्स इनकम के लिए जब आप बिल्कुल अपने पैसे से रिस्क नहीं ले सकते, फिक्स इनकम में लगाना चाहिए। रिस्क ले सकते हैं आप लंबे समय तक, धीरे धीरे लगा सकते हैं, इक्विटी में लगाना चाहिए। अगर आप थोड़े घबराए हुए रहते हैं, पूरे समय चिंता होती है बाजार के उतार चढ़ाव से, तो उचित हाइब्रिड फंड का चुनाव करें। वी हैव जितेंद्र फ्रॉम जयपुर ऑनलाइन विद अस। जितेंद्र, वेलकम टू मार्केट मंत्र, अपना सवाल पूछें। हाँ सर, एक्टिव इन्वेस्टमेंट और पैसिव इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है? और दूसरा सर, मैं स्टॉक मार्केट में एक साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, म्यूचुअल फंड में कभी इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो मेरी इच्छा है आदित्य बिरला का ETF आया है हेल्थ केयर फर्मा का, वो 10 रुपया के भाव में है, और एक विदाउट ETF का है 19 रुपया का भाव में है, वो भी बिरला ग्रुप का ही है हेल्थ का। तो मैं दोनों में क्या डिफर है, ETF हेल्थ केयर फर्मा और विदाउट ETF हेल्थ केयर फर्मा? एक तो कि आप ये ट्रेड कर रहे हैं, मुझे पता नहीं इसमें अब पिछले एक साल में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो अधिकतर ट्रेड किया होता, निवेश किया होता, तो सबको फायदा ही हुआ है, और इस फायदे से खुश मत होइए। ये केवल एक भाग है, दूसरा भाग जिसके लिए तैयार रहना चाहिए, और वो कभी भी हो सकता है, कम समय के लिए हो, ज्यादा समय के लिए हो, कि और आप देखें कि ये कम समय का पैसा आपने लगा करके आप खुश मत होइए, क्योंकि ये बाजार का जो का जो डायरेक्शन है, जो पेस है, जो रिटर्न है, वो बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है। 8-10 महीने में लोग कहा जाता है कि बाजार सीढ़ी से चढ़ के जाता है और लिफ्ट से उतरता है बहुत तेजी से, तो ये काफी महीनों का रिटर्न जो जनरेट हुआ हुआ है वो अचानक कभी कम समय में जा सकता है, क्योंकि बाजार गिरता बहुत रफ्तार से है। उसके बारे में तैयार रहना चाहिए या सोचना चाहिए कि ये आसानी से पैसा बाजार में बनाना ये हमेशा संभव नहीं होता है, पिछला एक साल काफी फेवरेबल रहा है। एक्टिव और पैसिव क्या है? आप जब फंड में पैसा लगाते हैं तो आप निर्धारित करते हैं कि आप किसी फंड मैनेजर को पैसा दे रहे हैं और वो अपनी इच्छा से पैसा लगाएगा, लार्ज कैप फंड, मिड ऑल कैप फंड, मल्टी कैप फंड, तो ये अलग अलग उनका, जैसे अभी आप फंड बता रहे थे जो कि फार्मा और ये, तो आप बता रहे हैं कि उस फंड में अगर आप पैसा लगाते हैं तो आप बोल रहे हैं कि इस यहां इसे पैसा लगाना है। जब आप पैसिव फंड में पैसा लगाते हैं तो पैसिव फंड इंडेक्स फंड को कहा जाता है, और आप उस समय फंड मैनेजर को ये नहीं कर रहे हैं कि आपको ये करना है, आप ये पैसा दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि बिल्कुल इंडेक्स जैसा, इंडेक्स की जो का जो वेटेज है, सेंसेक्स में 30 कंपनी है, पहली वाली कंपनी में 13% पैसा इस कंपनी में लगा हुआ, बिल्कुल उसी तरह से मेरा पैसा लगा दिया जाए ताकि आपको मिलने वाला रिटर्न बिल्कुल उस इंडेक्स जैसा हो। जब आप सेंसेक्स फंड में पैसा लगाते हैं तो उसमें रोज का जो अंतर होता है, जो रोज की वृद्धि या गिरावट जो होती है, बिल्कुल वैसी ही होती है प्रतिशत में जो कि सेंसेक्स या निफ्टी में होती है अगर आप जिसकी इंडेक्स में लगाए हो। चूंकि इसमें फंड मैनेजर को बहुत मेहनत नहीं करना होता है, आपका मिला हुआ पैसा सीधे तौर पर उसी अनुपात में लगा देना होता है, इसलिए इसके खर्चे कम होते हैं। और अभी हाल फिलहाल कुछ फंड जो कि जिसमें कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने जब से इक्विटी में पैसा लगाना शुरू किया, उसके बाद उसमें उस फंड में पैसा लगना शुरू हुआ और वो बहुत रफ्तार के साथ भारत का सबसे बड़ा फंड हो गया, और वो बड़ा फंड होने की वजह से और भी उसका खर्चा कम हो गया, तो शायद सबसे कम सबसे सस्ता वो फंड है उसका एक्सपेंस रेशियो। और तो ये एक्टिव और पैसिव है। दूसरा ETF और ये फंड ऑफ फंड में क्या अंतर है? बहुत सारे फंड है, बहुत ETF आपको उसका जो बाजार का जो रेफरेंस है प्राइस उसके आधार पे दिख रहा है, और फंड ऑफ फंड की कभी भी शुरुआत हो सकती है और उसके वजह से उसका दाम 10 रुपया हो, लेकिन रोज का जो बदलाव है वो उसी अनुपात में होगा। अगर ये किसी का NAV 20 रुपया है और किसी का NAV 10 रुपया है, और कल अगर ये फंड जहां जिसका लगा हुआ पैसा बिल्कुल एक सा है तो 5% बढ़ेगा, तो 20 रुपये वाला भी उसमें 5% की वृद्धि होगी, और 10 रुपये वाले का भी 10 के आधार पे 5% की वृद्धि होगी। तो ये जो मैं अभी तक 3 सवाल ले चुका हूँ कि म्यूचुअल फंड का NAV कितना मटेरियल है, एक बार दोबारा बताता हूँ कि म्यूचुअल फंड का NAV का स्तर कुछ भी हो, यहाँ से उसकी वृद्धि कैसी होती है उस पर आपका रिटर्न निर्भर करता है, ना कि 10 रुपया 20 रुपये या 50 रुपये जो भी उसका NAV का लेवल हो। गाजियाबाद से गौरव हमारे साथ हैं। गौरव, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
सर नमस्ते. नमस्ते सर. हाउ डू आई रिबैलेंस माय पोर्टफोलियो? माय एज इज 50 एंड आई हैव अ मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फ्लेक्सिबल एंड मिड कैप एंड ऑल गुड फंड्स. दे आर डूइंग वेरी वेल. क्या मेरे को रेगुलर इनकम अपनी है जिससे मुझे यहाँ से कुछ नहीं चाहिए आगे 10 साल तक, तो क्या रीबैलेंस मुझे करना चाहिए या नहीं? और ट्रिपल एडवांटेज फंड के बारे में आपका इसी के सिनेरियो में क्या कहना है? कैसा है? आगे अच्छा, और भी अच्छा करेगा गोल्ड लोन की वजह से? थैंक यू. रीबैलेंस करने के लिए सबसे जरूरी है कि आप एक एसेट एलोकेशन निर्धारित करें. जिस तरह की आप स्थिति बता रहे हैं कि आपको आमदनी की जरूरत नहीं है, ये लंबे समय का पैसा है, 10 साल तक इस पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपको फिक्स्ड इनकम एलोकेशन कम रखना चाहिए ताकि, और आपके लगाने का फिक्स्ड इनकम एलोकेशन का ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि जब बाजार जब बहुत गिरे तो आपको आप उसका कुछ फायदा उठा सके कुछ मेथोडिकल तरीके से. और दूसरा कि जब बाजार जब बहुत गिरे तो आपको अफसोस नहीं हो. तो ये जो रिग्रेट से, तो आप देखिए कि थोड़ा सा पैसा आपका फिक्स्ड इनकम में लगाओ, चाहे वो 20% हो, 1/3 हो, ये आप खुद निर्धारित करें. और जब आप ये निर्धारित कर लें तो उसके बाद इसको देखें कि जब भी ये इसमें बहुत बड़ा अंतर आ जाए, अगर ये 20% आप निर्धारित करते हैं और वो 25% हो जाता है फिक्स्ड इनकम, तो आपको देखना चाहिए कि ये रीबैलेंस करने का समय है. अगर इक्विटी में लगाया हुआ 80% अगर 85-90% हो जाता है, तब उस पैसे को थोड़ा सा निकाल लें. मतलब ये बढ़ता हुआ पैसा बहुत रफ्तार से बढ़ा है और इस तरह से आपके पास, और इस वजह से आपके पास हमेशा एक पैसा रहेगा जो कि अगर बाजार में भारी गिरावट हो तो आप उसका फायदा उठा पाएंगे, क्योंकि और उसका एक मेथड होगा. मैं हमेशा कहता हूं कि बाजार को टाइम करने की कोशिश ना करें, लेकिन इस तरह से अगर आप बाजार को करते हैं जिसमें कि कोई मेथड हो, कोई प्रोसेस हो, और ये केवल इस वजह से आप उधार दे के पैसा नहीं लगा रहे हैं क्योंकि बाजार बढ़ रहा है, तो ये जरूर करना चाहिए. इसका फायदा ये होगा कि आप मोस्टली आपका पैसा इक्विटी में लगा भी रहेगा, आपके पास तैयारी भी रहेगी कि थोड़ा सा फायदा उठा पाएंगे अगर बाजार में गिरावट आती है. तो बाजार बढ़ता है तो आपका पैसा बढ़ ही रहा है. जो लोग पैसा, जो बाजार टाइम करने की कोशिश करते हैं, उसमें क्या होता है कि वो लोग पैसा निकाल के इंतजार करते रहते हैं और कई बार पैसे बाजार गिरता ही नहीं है. राइट. या तो उससे आप बच पाएंगे. राइट. लेट्स क्विकली लुक एट द स्टॉक अपडेट फॉर द वीक. की डोमेस्टिक स्टॉक्स गेन मोर देन 2% टू हिट फ्रेश रिकॉर्ड हाईज इन द बिजनेस वीक एंडेड on Friday. During the week, the Sensex rose 1,247 points or 2.08% to settle at 61,306. The Nifty also surged 443 points to settle at 18,339. The BSE Mid-Cap Index went up by 3.34%, while the BSE Small-Cap Index gained 1.92% during the week. And the rupee witnessed a fall of 27 paise against the US dollar in the last business week to close at 75 rupees and 26 paise per dollar. Mr. Jain from Noida, if you're online, quickly ask your question. We'll try and take you in. Are you live with us? Mr. Jain, can you hear us? Namaskar ji. Jaldi se puchhe. 3 se 5 saal ka horizon hai, to gold mein nivesh kitna percentage as a hedging karne ki soch raha hu main? Quickly, Dhirendra, if you can answer that. I really don't have much of a view on gold. So, and as a hedge, because you know, gold has become a very usual commodity with its usual volatility. Dhirendra, कार्यक्रम में शामिल होने और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद. The headlines that we were tracking this edition, foreign portfolio investors pull out more than 1,470 crore rupees from the capital markets. Domestic stocks witnessed gains of more than 2% during the week ended on Friday, and Sensex closes above 61,000, Nifty finishes above 18,000 level. That's all that we have in this edition of Market Mantra. Namaskar. Market Mantra.